हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना सेलिब्रेशन दिखा रही हूँ, या एक ब्लॉग समझ लीजिए कुछ भी, कि हमने नवरात्रे कैसे रखे। तो शुरू का नवरात्रा मेरी डॉटर इन लॉ ने स्टार्ट किया था और हमने शुरू का और आज सप्तमी का किया है। बीच के मैंने नहीं रखे, लेकिन मेरी डॉटर इन लॉ ने पूरे नवरात्रे रखे। और मैं नवरात्रे कैसे मनाती हूँ, मैं हमेशा ऐसे अखंड ज्योत लगाती हूँ, छोटा सा एक दरबार बना लेती हूँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये खेत भी उगाते हैं। तो आज सभी का तरीका नवरात्रे मनाने का अलग अलग होता है, लेकिन मेरे यहाँ जो नवरात्रे होते हैं, मैं उसके बारे में ही आपसे डिस्कस करूँगी। तो हम लोग शुरू करते हैं, सुबह नहा धो के अपना माता का दरबार लगाते हैं, फिर नवरात्रि वगैरह की बोते हैं, फिर अखंड ज्योत मैं हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि घर में माता अगर आई हैं तो उनके पास अगर आप अखंड ज्योत लगाते हो तो वो एक प्रतीक होता है कि माता रानी हमारे यहाँ आई हुई हैं। तो अगर आप अखंड ज्योत नहीं लगा सकते तो आप एक कोई बल्ब लगा के छोड़ सकते हो, ताकि वहाँ पे हर वक्त 2400 घंटे उजाला बना रहे। और मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपनी माता के साथ ही इन दिनों बिठा के रखती हूँ, ताकि उन्हें एक कंपनी मिले और हमारे लिए भी एक अच्छी सी फीलिंग होती है कि हमें लगता है कि माता हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आई है। तो खाने में हम लोग शुरू वाले दिन कुछ मीठे में बर्फी वगैरह बना लेते हैं, और बाकी के दिन हम अलग अलग तरह की खीर बना लेते हैं, जैसे मखाने की बना लो, सामक की बना लो। तो आजकल तो बाहर से थालियाँ भी मिलती हैं, और वो एक बार अगर आप बाहर खाया होगे तो वो आइटम आप घर में भी बना सकते हो। तो मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अरवी की सब्जी, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, कुट्टू, सिंघाड़ा, इस तरीके से व्रत का पता ही नहीं चलता। और जितना हो सके फलाहार करो, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि व्रत रखना है तो आप भूखे रहें, भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा भी आपका स्वास्थ्य अलाउड करता है, आप उसी तरीके से अपने व्रत रख सकते हो। तो मैं तो अपने व्रत इसी तरीके से करती हूँ, और आज सॉरी मैं शुरू वाले दिन आपके साथ ये व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे बेटे का ऑफिस था और हम सभी अलग अलग दिशाओं में थे, एक तरह से एक जगह नहीं थे। तो आज सप्तमी के दिन बेटे का भी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम छोटा सा एक व्लॉग आपके साथ शेयर करें। और कल हम मनाएंगे अपनी अष्टमी। तो इस बार जब से लॉकडाउन हुआ है तो अष्टमी में कंजक नहीं मिलती, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि कुछ दक्षिणा माता के सामने रख देती हूँ। तो उससे आप किसी गरीब की बच्ची का अगर कोई शादी, आप अपने अनुसार आप 100, 500 मर्जी आप हजारों रख सको, तो आप किसी गरीब बच्चे की मदद कर सकते हो। कोई बच्ची पढ़ रही हो तो आप उसकी फीस जमा कर सकते हो, उसको कपड़े लेके दे सकते हो, उसको बुक्स लेके दे सकते हो। तो ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसी की सेवा कर सकते हो। और माता रानी तो एक माध्यम होती है हम सबके बीच में, कि इंसानियत दिखाने के लिए, कि हम इंसान के रूप में किसके लिए क्या कर सकते हैं, वरना इनको देने की तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। यही हमें हर वक्त कुछ ना कुछ देते हैं, इनसे तो हम बस यही चाहेंगे कि इनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी फैंस हैं, जो मुझे अनदेखे हुए, अनमिले हुए इतनी दुआएं मेरी फैमिली को देते हैं, तो मैं माता रानी से हमेशा ये कामना करना चाहूँगी कि वो आपकी फैमिली पे इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कोरोना में बहुत सारे लोगों के घरों में खुशियाँ नहीं रही, तो मैं माता रानी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि जिन मेरे फैंस के घरों में दुख आया हो, तो उन सबको इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। और कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ लेता है तो कुछ देता भी है, तो यकीन रखिए उन पे। तो जो आया है उसे जाना भी है, आप बस इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बाकी सब तो है माता रानी देखने के लिए कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा। हम तो बस इतना ही बोल सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने शुरू वाले दिन से ही कैसे प्रिपरेशन शुरू करी थी, और मैंने स्ट्रीट से फ्लावर और नारियल वगैरह खरीदे थे, क्योंकि मेरे को लगता है कि दुकान में तो हर कोई जा सकता है, लेकिन स्ट्रीट पे जो बैठे हुए हैं उनसे अगर आप कुछ चीज़ें लोगे इस दौरान, तो उनका कुछ मदद हो सकती है। ये मेरी ऐसी इच्छा होती है दिल से करने की, वैसे आप सब वैसे ही कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा।
तो मैं आपके साथ वो सारी क्लिप शेयर करने वाली हूँ इस टाइम, आप देखते रहिए। और हम कोई इतने बड़े भक्त तो है नहीं कि स्पेशल कुछ आपको दिखाऊं, लेकिन ये मेरे जीवन की और मेरे घर की हकीकत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मेरी डॉटर इन लॉ ने माता रानी को तैयार कर दिया, और आप अपने बच्चों को भी जरूर शामिल करें अपनी पूजा में ताकि वो आपके संस्कार सीख सके। यहाँ हमने माता रानी का दरबार सजा लिया है, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये धुनी का बनाया है जिसमें हम रोज सामग्री गूगल लोबान डाल के कपूर डाल के जलाते हैं, तो ये सुबह शाम आप अपने घर में करो। और ये हमने जो खेती बोई थी वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी, हमने यहाँ पे कलश रखा हुआ है। माता रानी को हम डेली हार पहनाते हैं, हार ना पहना सको तो आप अपने गार्डन से अपने पोट से कोई फ्लावर ही चढ़ा सकते हो। ऐसे हमने एक उरली में भी थोड़े से लगा के रख लेती हूँ मैं फ्लावर, भोग वगैरह सब कुछ लगा के रखने के बाद हम गंगा जल रखते हैं ताकि अपनी पूजा करने के बाद उसे मैं पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। और जो हमारी ये उरली में जो आप हमन धुनी देख रहे हो इसको हम पूरे घर में घुमाते हैं, तो ये प्रक्रिया सुबह शाम करने से घर में बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है। और इनका तो साइंटिफिक रीज़न भी है कि कुछ बैक्टीरिया होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हो इस बार मैंने एक बहुत ही सिंपल सा दरबार बनाया था, पूजा का ही येलो कलर का कपड़ा लगा दिया था। तो आप इन सिंपल तरीके से भी अपने घर में अलग अलग तरह की चुन्नियाँ वगैरह यूज़ करके भगवान जी का माता जी का ऐसे दरबार लगा सकते हो। जैसे कि आने वाली दिवाली पे भी हम लक्ष्मी जी का इसी तरीके से दरबार लगाएंगे। और बस इस इन सब चीज़ों के बाद हमने अपनी पूजा शुरू कर दी। यहाँ पे भोग के लिए हमने खीर रख ली बना के, ड्राई फ्रूट रख सकते हो, फ्रूट रख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। और ये सारी चीज़ें मैंने स्ट्रीट से खरीदे थे, आम के पत्ते हो या फिर नारियल चुन्नी वगैरह, वो क्लिप मेरी आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर चेक किया करें क्योंकि वहाँ पे मैं डेली अपडेट करती रहती हूँ अपने घर और गार्डन से संबंधित। तो इसी के साथ हमने अपनी जो पूजा है एक छोटा सा, ये देख सकते हो आप, फैमिली के साथ कीर्तन टाइप गाना बजाना जो भी हमें अच्छा लगता है बस हम भोले मन से वो कर लेते हैं। तुम्हें दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तुम्हें लक्ष्मी जग सुखदाता, तुम्हें जानवी तो सप्तमी का हमारा ये दोपहर का भोग बनके माता के लिए तैयार है। यहाँ पे मीठे में बनाई है हमने सामक की खीर, और यहाँ पे हमने बनाया है आलू साबूदाना, इधर हमने बनाए हैं मूंगफली डाल के सामक के चावल जो कि पुलाव की तरह बन जाते हैं और बहुत जल्दी पचते हैं, इधर हमारे हैं ये चौलाई के लड्डू, और यहाँ पे है दही क्योंकि साबूदाने के और पुलाव के साथ में दही बहुत ही अच्छी रहती है। तो आज का बस इतना ही भोग है माता रानी का, अब शाम को देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा पूजा करने का तरीका सिंपल सा। वैसे भी भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप हमेशा अपनी पूजा वैसे ही करें जैसे कि आप मन से चाहते हैं, जितना आपको पता है, दिखावा में कुछ भी नहीं रखा, और वो तो सब जानते हैं उस सृष्टि के रचयिता, वो उनके सामने हम दिखावा कर भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ मैं लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जैसे कि आप सब मुझे डेली नेचर लवर के नाम से जानते हो, और मेरा फर्स्ट वीडियो नेचर पे आया था मेरा टेरिस गार्डन, तो आपका वो प्यारा सा गार्डन थोड़ा इस बार बारिश में ख़राब हो गया था, मैंने उसको एक नया मेकओवर दिया है, और आपके प्यारे प्यारे प्लांट इस टाइम बहुत बड़े हो चुके। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और 102 दिन के अंदर ही मेरा वीडियो आने वाला है, आप उसे देखिएगा जरूर और अपना प्यार जरूर दीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, बाय बाय, टेक केयर।